जो हो रहा है बांग्लादेश में, जो जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका एक 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 जो कोटा का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसका एक एक मोटिव था। पर अभी ये चीज़ बिगड़ गई है, ये चीज़ अभी जो हो रहा है सो, जैसे लड़ाई वायलेंस जो हो रही है, ये सब ठीक, ये सब नहीं होना चाहिए। इधर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कोई इशू फेस नहीं कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में चल रहे है उसका जो इफेक्ट है, एक फिजिकल इफेक्ट, ऐसे कुछ नहीं, मेंटल इफेक्ट या आप बोले फिजिकल इफेक्ट, ऐसे कुछ हम लोग ऊपर आप नहीं है। लोग यहाँ पे हम लोग सुरक्षित हैं? सुरक्षित शांति, हम लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, हम लोगों को शांति दे रहे, यही हम लोगों का मतलब सबसे बड़ा जो मोटिव है यही है हम लोगों का। जब से वो कोटा आंदोलन शुरू हुआ है तब से नेटवर्क का बंद हुआ है, बंद रहता है अधिकांश समय। तो हम इंटरनेशनली कॉल करें भी तो बात नहीं हो पा रहा है, वॉइस का काट हो रहा है तो बात नहीं हो पा रहा है। हम बहुत ही चिंतित हैं हमारे परिवार के लिए, हमारा जो अपन लोग है उधर रहता है उसके लिए, और वायलेंस में बहुत ही, जो हमारे हिंदू जिसका हिंदू पे ज़्यादा टारगेट हो रहा हिंदी है। पे ज़्यादा टारगेट हो रहा है, वही हमारे लिए बहुत ही चिंतित का कारण है। हम बीएचयू के इस काम पे बहुत ही खुशी है क्योंकि बीएचयू हमें बहुत ही प्रोटेस्ट कर रहा है, बहुत ही मतलब सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम बहुत ही खुशी है। हम इधर है तो खुशी के लिए, मतलब मन से हम ठीक नहीं है। बांग्लादेश में जो चल रहे है इधर से, तो हम लोग जो न्यूज़ देखते हैं इधर, सच झूठ सभी हम लोगों को दिखा, हम लोग देखते, मतलब जो हो रहा है उसका प्रॉपर आइडिया तो हम लोग कर नहीं सकते। फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हो रहा है बांग्लादेश में, जो जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका एक 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 जो कोटा का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसका एक एक मोटिव था। पर अभी ये चीज़ बिगड़ गई है, ये चीज़ अभी जो हो रहा है सो, जैसे लड़ाई वायलेंस जो हो रही है, ये सब ठीक, ये सब नहीं होना चाहिए था। वायलेंस नहीं हाँ, होना ये सब, ये सब, हाँ चाहिए। बीएचयू में आप लोग कुछ अपना एक अपील किए थे कि आप लोगों को रहने दिया जाए, या जो ऐसे छात्र हैं, आपका तो पढ़ाई चल रहा है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, हाँ जिनको हाँ अब अपने कंट्री वापस जाना था, अपने घर वापस जाना था। तो बीएचयू ने एक स्टेप बहुत बढ़िया लिया है कि उनको मेस की सुविधा, उनको हॉस्टल, उनको यहाँ पे स्टे दे दिया है। उसको किस हाँ तरीके से देखा जाए तो बहुत लड़के जो फेल किया है, जैसे कि उन लोगों को रहने देना चाहिए, पर क्योंकि अगर देखा जाए तो हम लोग तो पढ़ाई कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कर रही है, हम लोग जैसे पढ़ना चाहते हैं वैसे कर रही है, नहीं, पर तो बहुत, अभी अपने घर तो जाना पॉसिबल नहीं है, हाँ वहाँ पे हाँ इतना वायलेंस हाँ है, वायलेंस लेकिन है, बीएचयू इसमें आप लोगों की मदद कर रहा है, हाँ सभी हाँ छात्रों को एब्सोल्युटली यहाँ पे रहने दे रहा एब्सोल्युटली है। उसको एब्सोल्युटली किस तरीके से ये देख रहे हैं? एब्सोल्युटली हम लोग एक अच्छा तरीके से देख रहे हैं क्योंकि इधर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कोई इशू फेस नहीं कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में चल रहे है उसका जो इफेक्ट है, एक फिजिकल इफेक्ट, ऐसे कुछ नहीं, मेंटल इफेक्ट या आप बोले फिजिकल इफेक्ट, ऐसे कुछ हम लोग ऊपर आप नहीं है। लोग यहाँ पे हम लोग सुरक्षित हैं? सुरक्षित शांति, हम लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, हम लोगों को शांति दे रहे, यही हम लोगों का मतलब सबसे बड़ा जो मोटिव है यही है हम लोगों का। बांग्लादेश में भी जो चल रहा है, पहले था कोटा आंदोलन जो फ्रीडम फाइटर्स के, उसको 30% सिर्फ उसको ही दे रहा था, और इसलिए जो प्रॉब्लम हुआ, जो बेकार लोग थे, जो जनरल स्टूडेंट थे, उसे जॉब नहीं मिल रहा था क्योंकि जो सब कोटा सिस्टम के अंदर जो था, जो पढ़ाई नहीं मतलब अच्छे से नहीं कर रहा था, जिसके सर्टिफिकेट का मार्क्स कम था उसे मिल जा रहा था वो कोटा के लिए, तो इसलिए जो जनरल स्टूडेंट थे वो सब कहा कि ये अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो कोटा आंदोलन का प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जो हुआ, वो कोटा आंदोलन चला चलते समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे और जनरल जो लोग थे वो बहुत आहत, मतलब बहुत ही बुरी तरह से घायल हुआ था, तो इसलिए जो अभी जो सरकार था उसके प्रोटेस्ट में क्यों था, वो बोला कि जो अभी सरकार सरकार को नहीं चाहिए हमारा, सरकार हाँ का सरकार, गलत हाँ भी सरकार किया है, बदली हो और गया है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो अभी हाँ भारत में और शरण लिए हैं, और जो वो अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है। हाँ लेकिन वायलेंस को किस तरीके से आप लोग देखते हैं, जो जिस तरीके की वायलेंस वहाँ पे हुई है रिसेंटली, वायलेंस, खासकर वायलेंस जो वो बहुत ही बुरी तरह से फैल रही है सभी तरफ, जो मतलब कम कम लोग है उधर से, धर्मिया धर्म से भी कम है, जो हिंदू धर्म है, क्रिस्टान है, हिंदू धर्म बौद्ध, से ज़्यादा तो हाँ हिंदू धर्म पे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभाव फैल रही है, तो वही प्रॉब्लम है मेरा उधर से, जो हम भी हिंदू ही है तो घर पे उधर से बात नहीं पा रहा है घर पे आपके? बहुत बात नहीं हो पा रहा है। जब से वो कोटा आंदोलन शुरू हुआ है तब से नेटवर्क का बंद हुआ है, बंद रहता है अधिकांश समय, तो हम इंटरनेशनली कॉल करें भी तो बात नहीं हो पा रहा है, वॉइस का काट हो रहा है तो बात नहीं हो पा रहा है। हम बहुत ही चिंतित हैं हमारे परिवार के लिए, हमारा जो अपन लोग है उधर रहता है उसके लिए, और वायलेंस में बहुत ही, जो हमारे हिंदू जिसका हिंदू पे ज़्यादा टारगेट हो हिंदी रहा है। पे ज़्यादा टारगेट हो रहा है, वही हमारे लिए बहुत ही चिंतित का कारण है।
तो आगे किस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं घर पे बात करने के लिए? आपकी अच्छी पढ़ाई है, फैमिली वहाँ पे, आपकी फैमिली में कौन कौन है वहाँ पे? हमारे फैमिली बहुत, हमारे मेरे पिताजी नहीं है, मेरा जो माँ है, छोटा भाई और जो परिवार के लोग हैं उसके लिए हम बहुत चिंतित है, और उधर जो हो रहा है अभी वो अच्छी बात नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आगे के तरफ हम सब एक साथ रहेंगे, जब जितना भी धर्म के लोग हैं उधर, जितना भी मनुष्य सब एक साथ रहेंगे, सब एक साथ मिलकर रहेंगे और देश को अच्छी तरह से घटित करने के लिए चाहेंगे। जो पहल की है कि उन बच्चों को रोक दिया, जो बच्चे घर जाने वाले थे या जो घर जाना चाहते थे, लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए बीएचयू ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सुरक्षा मैथ सारी चीजों की सुविधा करके उन बच्चों को यहाँ पे स्टे दिया है, उसको किस तरीके से? हम बीएचयू के इस काम पे बहुत ही खुशी है, क्योंकि बीएचयू हमें बहुत ही प्रोटेस्ट कर रहा है, बहुत ही मतलब सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम बहुत ही खुशी है। हम इधर है तो खुशी के लिए, मतलब मन से हम ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा जो घर है और वहाँ घर पे चिंता तो लगी रहती है, और हम सोच ही रहते हैं कि कुछ दिन पे हम जाएंगे देश में, घर पे जाकर घूम के आएंगे, हमारे अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो ये हम सोच के रखे थे। तो अभी जो हुआ है जाने के, जो कम्युनिकेट जो सिस्टम है हो नहीं हो पा रहा है, और एक स्थान से और एक स्थान पे जाने के लिए जो सिस्टम था, ट्रेन सिस्टम और जो कुछ था वो जला दिया गया है, और बहुत सारे जो घर है, बहुत सारे इलाका है, उसमें बहुत ही वायलेंस हो रहा है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। बीएचयू ने जो स्टे दिया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इतना वायलेंस के बाद और जिस तरीके से घर पे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन खासकर उन बच्चों के लिए ज़्यादा मदद है जो घर जा रहे थे, जिनकी पढ़ाई पूरी हो, उनको भी अपने यहाँ स्टे दिया। बीएचयू के इस काम पे हम बहुत ही धन्यवाद जाना रहे, क्योंकि बीएचयू के इस काम, बीएचयू जो हमें सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए हम बहुत ही क्या कहते हैं, कृतज्ञ है, आभारी है, बहुत बहुत आभारी है बीएचयू के इस काम पर, क्योंकि ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करता हमें। तो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो अभी इधर है, उस समय समस्या पे भी है इधर, तो उसके जो सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हम बहुत ही आभारी है बीएचयू के ऑर्गेनाइजेशन। हमारा उधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, गवर्नमेंट नेटवर्क डाउन कर दिया, इसलिए हम घर में बात नहीं कर सकते, वो कुछ टाइम VPN यूज़ करके घर में बात कर रहा हूँ। और क्या वहाँ से पता लग रहा है, परिवार को आपकी चिंता भी होगी? हाँ, परिवार के लिए चिंता हो रहा है, बट वो अभी मुझे लगता है वो सेफ नहीं है, इसके मतलब वो घर के आसपास बहुत जगह वो घर भरी आग लगा दिया, भांगचूर किया, लूटपाट किया, वो ऐसा हो रहा है, तो अच्छा नहीं हो रहा बांग्लादेश में जो हो रहा है। वायलेंस हो रहा है, खासकर देखा जा रहा है कि टारगेट किया। हाँ हाँ, वो हर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा उधर वो हिंदू को ही टारगेट करता है, वो हिंदू का बाड़ी घर जला देता है, मंदिर तोड़ देता है, वो मूर्तियों की तोड़ देता है, ये होता है। बट हम चाहते हैं ये नहीं होता, हम सब एक साथ मिल के बांग्लादेश में रहना चाहते हैं, एक साथ मिल के, वो भी हमारा इंसानी है, हम भी इंसानी है, हम दोनों भाई भाई है, तो हम नहीं चाहते हमारा जस्ट हमारे ऊपर ही ये आक्रमण होता है, ये नहीं हम चाहते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरा परिवार में मेरा एक छोटी बहन है, मेरा पापा है और मेरा मामी है। बातचीत काल से नहीं हो पा रहा, वो VPN से थोड़ी देर पहले बात हुआ था, वो ठीक है, बट हमारा घर का आसपास कुछ जो बिल्डिंग है, बाड़ी है, घर बाड़ी, उसमें जो पॉलिटिक्स करता था उन लोगों का बाड़ी घर आग लगा दिया स्टूडेंट ने। बीएचयू ने भी अब छात्रों को स्टे दे दिया है, जो छात्र जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई। हाँ, तो बीएचयू में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट हम घर के लिए बहुत टेंशन हो रहा है। लेकिन आप चाहते क्या हैं, अब वहाँ पे सब लोग मिल के रहे? हाँ, हम भी चाहते हैं वहाँ पे सब मिल के रहे, ऐसा वायलेंस ना हो, यही हम चाहते हैं। आपको लगता है कि कहीं किसी और जो कंट्री है, जो इस्लामिक कंट्री है या हाँ, भारत के अगेंस्ट या बांग्लादेश के अगेंस्ट, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है वायलेंस के पीछे? हमें नहीं लगता उनका भी ये हो सकता है, बट चाइना बताया जा रहा है, तमाम बताया जा रहा है, हो भी सकता है, अब नहीं भी हो सकता, ये तो हाँ कोई बात नहीं, वो 50-50 है। पहले तो वो मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो स्टूडेंट मूवमेंट था हमारा, वो रिजर्वेशंस को लेके था, क्योंकि हमारे पे कास्ट बेस्ड नहीं था, थोड़ा सा प्रॉपर बायस्ड रिजर्वेशन था।
लेकिन जब प्रधानमंत्री जो थे हमारे शेख हसीना, उन्होंने बहुत उल्टे सीधे कमेंट पास कर दिए, डेरोगेटरी कमेंट्स, जो स्टूडेंट्स को फायर कर दिया, इग्नाइट कर दिया। एंड आफ्टर दैट वो स्टूडेंट मूवमेंट पूरा नेशनल रिफॉर्मेशन पे चला गया, क्योंकि वो लोग स्टूडेंट्स के ऊपर ओपन फायर कर दिया, कर्फ्यू दे दिया, मिलिट्री डिप्लॉय कर दिया। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स दे गॉट डेड, एंड 6 दिन नेटवर्क नहीं था, तो हमको 6 दिन का प्रॉपर पता भी नहीं है कितने लोग मारे गए, कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ। माई ओन ब्रदर गॉट शॉट बाय बुलेट, सो मुझे पता है अंदर का रियलिटी कैसा है। अभी जो तख्ता पलट हुआ, उसके बाद अभी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो शेख हसीना के जैसे एटलीस्ट वो डेरोगेटरी कमेंट्स पास नहीं करेंगे, जो माइनॉरिटीज है उनका राइट को वो लोग रिजर्व करेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबका सेफ्टी इंश्योर करना, नेशनल रिबिल्ड करना। अगर वो लोग अभी वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर से जाके देश का हाल ऐसा होगा जो 15 साल पहले था। घर पे बात हो पा रही है किस तरीके से, न्यूज पता चल पा रहे हैं या जो कंडीशन है उस पर घर पे, क्योंकि घर वालों को आपकी भी चिंता होगी और आपको भी होगी। 18 से 24 तक प्रॉपर कोई नेटवर्क नहीं था बांग्लादेश में, तो हम इंटरनेशनल कॉल करते थे, तो पैक खरीद के रोमिंग वगैरह करके 24 के बाद से नेटवर्क आया, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड स्पेज में। बांग्लादेश में 4G है अभी, तो 4G में भी 2G चल रहा था, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल, इंस्टाग्राम बैन था, तो VPN लगा के यूज़ कर रहे थे। तो हम जितना हो सकता था कि हम कॉल कर रहे हैं, हेलो के बिना कुछ नहीं सुन रहे, ऐसा भी क्या 4 दिन कोई बात नहीं हो पाया। अभी बात हो पा रही, लेकिन वही है कि आवाज़ क्लियर नहीं है, नेटवर्क के इशू, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ अभी सही होगा क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुआ। लेकिन अभी वही चीज़ है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेटवर्क का इशू नहीं होगा, क्योंकि वो होता है तो हम घर पे बात नहीं कर सकते, जो बाहर के लोग हैं वो बात नहीं कर सकते, और रेमिटेंस का तो एक इशू है ही, नेटवर्क बंद है तो देश का रेमिटेंस भी गिरेगा। मेरे पापा है, मेरे मम्मी और मेरे भैया है, तो भैया मेरे एक सीनियर है, ही वॉज माई कॉलेज सीनियर, तो वो प्रोटेस्ट में गए थे सिर्फ पानी बांटने के लिए, उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, लेकिन उनको गोली करके मार दिया गया रस्ते पे। तो वो हमारे जान पहचान वाले, मेरे दोस्त हैं, उन लोगों को वो TRC लगाए, वो पैलेट गन से उनको बुलेट लगाया, तो किसी का आँख डैमेज हो गया, वो मेरे जान पहचान वाले दोस्त हैं जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो कि जान पहचान में बहुत लोगों का इंजुरी है, तो वैसे भी तो इंजुरी बहुत है, अनऑफिशियली डेथ टोल बहुत लोग बता रहे कि 600+, बहुत लोग बता रहे कि 1000+, और इंजुरीज तो मोर देन 20,000+ है, कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो बहुत गंदा सीन है अभी।